हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरिजा स्टडी डॉट नाइन पे। आज दोस्तों हम एमए एग्जामिनेशन 2021 यानी जो विद्यार्थी सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए पहले सेम का हिस्टोग्राफी का पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, इसे प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें हिस्टोग्राफी इसको एग्जाम को नाम दिया गया है। इसका कोड है HIS यानी 19 HIS 101 या HIS 101। ठीक है, जो CBLU यूनिवर्सिटी है फिलहाल ये जो पेपर है ये है 29 तारीख का यानी कल की डेट का है ये 29/5/2021 29 तारीख का ये पेपर है। CBLU यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्या है कि सिलेबस नहीं मिलता लोगों को, CBLU यूनिवर्सिटी में नोट्स प्रिंट नहीं होते, बच्चों को पता नहीं चलता कि जब अगर किसी एग्जाम का एग्जाम नोट्स नहीं मिलता या मटेरियल नहीं मिलता तो प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर जो एमए हिस्ट्री है सीबीएलयू से पहली बार आई है तो उन बच्चों को परेशानी फेस करनी पड़ती है कि उनको पहली बात एग्जाम नोट्स नहीं मिलते, दूसरी बात एग्जाम नोट्स अगर मिल भी जाए तो वो KUK या MDU का मिलेगा, उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं मिलेगा। जो निर्धारित किया गया सिलेबस उसका कुछ हिस्सा मिलता है और प्रीवियस ईयर के पेपर कभी नहीं मिलते। ठीक है, वो ढूंढने पड़ते हैं बच्चों के पास से। तो ये जो एग्जाम है आज 29/5 का जो मेरे पास एग्जाम है इसकी हम पीडीएफ अपने पास है तो हम ये बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आगे कभी भी कोई भी अगर स्टूडेंट सीबीएलयू से एमए हिस्ट्री कर रहा है वो अपने चैनल पर आकर देखेगा तो उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये बता दिया मैंने आपको ये एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेम। ठीक है, फर्स्ट सेम और पेपर किस चीज का है, हिस्टोग्राफी। ठीक है, हिस्टोग्राफी का ये पेपर है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी, देखते हैं। अब देखिए ये ऑनलाइन माध्यम से पेपर हुआ है, यूनिवर्सिटी ने 29/5/2021 को ये जो हिस्टोग्राफी का पेपर है ये ऑनलाइन माध्यम से लिया है। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन आते थे उनमें लिखा जाता था कि प्रत्येक यूनिट को सिलेक्ट करते हुए यानी प्रत्येक यूनिट से सिलेक्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन या फिर जो भी इनका निर्धारित होता वो ये करवाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन्होंने कहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कि टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं और लिखा है कि आप केवल किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको मैं एग्जाम का जो टाइम दिखा देता हूँ ये 3 आवर्स दे रखा है लेकिन केवल 2 घंटे मिले हैं। ठीक है, टाइम इसमें 3 आवर्स लिखा है लेकिन ऑनलाइन माध्यम में केवल कितने में टाइम मिला है, 2 घंटे का। ये 80 नंबर का एग्जाम है और अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें कौन कौन से आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफाइन स्कोप ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के अक्षेत्र को परिभाषित कीजिए। इतिहास के अक्षेत्र को परिभाषित कीजिए यानी इतिहास का अक्षेत्र क्या है। अगर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो जो फर्स्ट सेम है यानी ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है, अगर स्टूडेंट्स का किसी का भी हमारे पास कमेंट आएगा कि इसको परिभाषित जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप करवा भी दीजिए तो हम अपने जो हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं उनकी एक पीडीएफ बनाकर के आपको ये कंप्लीट समझा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर किसी का कमेंट आता है स्टूडेंट का तो हम आगे करवाएंगे। अब केवल हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद अदर सोशल साइंसेज, यानी इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध बताइए कि इतिहास दूसरे विषयों के साथ किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो हम इनकी पीडीएफ बनाकर खुद तैयार किए हुए नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि सिलेबस का कोई ऐसा इश्यू ना हो कि किसी बच्चे को एग्जाम नोट्स या कोई मटेरियल ना मिले तो उसकी तैयारी रह जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास के महत्व का वर्णन कीजिए।
धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास के महत्व का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5-4, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, परिभाषित कीजिए। यानी जो कंप्लीट हिस्ट्री है ये आइडियाज की है, विचारों से ही इतिहास बनता है, या विचारों का इतिहास ही संपूर्ण इतिहास है, इस चीज को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन कौन सा है, इतिहास में परंपराओं और लोकगीत के महत्व पर प्रकाश डालिए। इतिहास में परंपराओं और लोकगीत के महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी जो इतिहास है इसमें जो लोगों की परंपराएं हैं किसी क्षेत्र विशेष की या किसी समाज की, देश की, विदेश की, जो भी जहां का भी इतिहास हमें जानना है, वहां पर जो परंपराएं चल रही हैं और जो लोकगीत चल रहे हैं उनके माध्यम से इतिहास की रचना के विषय में क्या कुछ हमें जानकारी मिलती है, ये इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में कालक्रम की समस्या का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बता देते हैं हम, इतिहास में कालक्रम की समस्या का वर्णन कीजिए, यानी जब इतिहास की रचना होती है तो इसमें कालक्रम में आने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं, कि इतिहास को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि ये मध्यकाल है, ये प्राचीन काल है और ये वर्तमान काल है, किस प्रकार से ऐसे निर्धारित करें कि इतिहास जो है ये कंप्लीट किसी समय के अनुसार बट जाए और विश्व का इतिहास और इस किसी क्षेत्र विशेष के इतिहास को हम आसानी से इसका वर्गीकरण कर सकें, ये इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री फैक्ट्स, यानी ऐतिहासिक तथ्यों की महत्ता। ठीक है, इतिहास में जो तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनका क्या महत्व है, इस चीज का वर्णन इसमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास के उपयोग और दुरुपयोग पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का उपयोग और दुरुपयोग, अगर किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, ये मनुष्य के विचारों पर निर्भर करता है कि वो उसका दुरुपयोग और उपयोग किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर हमें करना है। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन। ठीक है, टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन है, टोटल 9, और करने कितने हैं 4, 20 नंबर का एक, बीचों के 80, 80 नंबर का एक कंप्लीट पेपर, 9 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आगे आएंगे, ये केवल आपको जो CBL के स्टूडेंट्स हैं, CBL यूनिवर्सिटी से, जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, एग्जाम नोट्स के पीछे 3-3 क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन CBL यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर या एग्जाम नोट्स प्रिंट ही नहीं होते। ठीक है, गाइडें वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो क्वेश्चन पेपर भी पिछले प्रीवियस पेपर हैं वो भी बच्चों को नहीं मिलते, जिस कारण इनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो हमारे पास ये पेपर आते ही हमने इस पर डाल दिया। अगर बच्चे बोलेंगे, कोई भी स्टूडेंट अगर बोलेगा कि इनका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट सेम का हिस्टोग्राफी का, वो कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम हमारे खुद से बनाई हुई PDF के माध्यम से कंप्लीट CBLU सिलेबस जो है इस पर डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन, इतिहास के स्रोत के रूप में कला एवं स्थापत्य के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए कि इतिहास के स्रोत के रूप में, ठीक है, कला एवं स्थापत्य के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, कला एवं स्थापत्य के महत्व का वर्णन हमें करना है, यह है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब देखिए कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम दिखा देते हैं, ये है। ठीक है, इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से लिया हुआ पेपर है ये, MA एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट सेम, फ्रेश और रिपेयर के लिए है ये। हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्टोग्राफी इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ। ठीक है, 9 क्वेश्चन है। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF भी मिल जाएगी, और आगे आने वाली अपडेट के लिए, आप अवगत रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।